इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों कंपनी के सीईओ ने एक एम्प्लॉय को अपनी कार गिफ्ट कर दी थी, और जानेंगे कौन सा जानवर अपने खाने को धोकर खाता है, और साथ में 16th सेंचुरी का सबसे खास मूर्ति के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूँ सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 10, माइक एंडरसन। हम अक्सर छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि चाबी या फिर रिमोट जैसा छोटी चीजें, लेकिन यूएस के मिसौरी स्टेट के एक कोर्ट ने मुजरिम को सजा देना ही भूल गए। ये मुजरिम था माइक एंडरसन, जिसने साल 2000 में बैंक रॉबरी की थी। अदालत में इसका जुर्म साबित भी हुआ था और 13 साल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन किसी कारण कोर्ट ने इसे जेल में डालना ही भूल गया। फिर 13 साल बाद जब माइक को छोड़ने का नोटिस भेजा जा रहा था, तब मालूम चला कि भाई साहब जेल में थे ही नहीं। इसका करेक्शन के लिए 2013 में माइक को एक साल जेल में रखा गया। जेल से छूटने के 6 महीने बाद फिर से माइक को गिरफ्तार किया गया एक लड़की का पर्स छीनने के जुर्म में, पर कोर्ट में जुर्म साबित ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। इस मजेदार फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 9, हेवीएस्ट लेमन। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, When life gives you lemons, make lemonade। लेकिन इजराइल के रहने वाले एरॉन शमोएल ने ये कहावत नहीं सुनी होगी, इसीलिए शायद जब लाइफ ने इनको लेमन दिया तब इन्होंने उसका लेमनेड ना बनाकर उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, मिलिए एरॉन शमोएल से, जिन्होंने दुनिया का सबसे भारी नींबू उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और उस नींबू का वजन था 5.26 किलो, एक एवरेज नींबू से तकरीबन 100 गुना ज्यादा भारी। 8 जनवरी 2003 को इस नींबू का वजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये नींबू उगाई गई थी एरॉन के फार्म में, जो कि इजराइल के कफार जेतिन में स्थित है। साइज में ये नींबू 13.7 इंच लंबी थी और अपने जैसे एक और बड़े नींबू के साथ उगी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, रोलेक्स। रोलेक्स के अलावा भी कई सारे लग्जरी वॉच ब्रांड्स हैं, जैसे कि पैटेक फिलिप, ओमेगा, ब्लैंक पेन वगैरह वगैरह, लेकिन इनमें से रोलेक्स सबसे खास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोलेक्स अपना सारा प्रॉफिट चैरिटी और जरूरतमंदों की मदद करने में लगा देता है, यानी कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। रोलेक्स कंपनी विल्सडॉर्फ फाउंडेशन के अंडर काम करती है। रोलेक्स के फाउंडर थे हांस विल्सडॉर्फ, जिन्होंने अपनी पत्नी के याद में ये कंपनी बनाई थी। 1960 में विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स की 100% राइट्स विल्सडॉर्फ फाउंडेशन को दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोलेक्स पैसा कमाना नहीं चाहती। अपने प्रोडक्ट्स को और भी अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत से रिसर्च और डेवलपमेंट करती रहती है। स्टॉक प्राइस हाई रखने के साथ साथ अपना सेल्स भी बढ़ाते रहते हैं। रोलेक्स कंपनी का एक स्लोगन भी है, द रोलेक्स वे। फैक्ट नंबर 7, यूरोपियन वाइल्ड बोर। नॉर्मली जब हम सुअर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कीचड़ में खेलने वाला एक प्राणी का ख्याल आता है। इंग्लिश में तो गंदे सोच वाले इंसान को स्वाइन कह के बेइज्जती की जाती है, लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च से ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप के जंगली सुअर खाने को धोकर खा रहे हैं। जब ये बात मुझे पता चली तब मैं भी आप ही की तरह चौंक गया था। दरअसल ये रिसर्च स्विट्जरलैंड के बेजल जू में की गई थी, और ये देखा गया कि वहाँ के जंगली सुअर खाने को धोकर खा रहे हैं। इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए रिसर्चर्स उनको कुछ मैले और कुछ साफ खाना दिया। साफ खाने को तो वो इमीडिएटली खा लिए, बट जब मैला खाना दिया गया तब देखा गया कि वो सुअर उसे धोकर खा रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, वाल्टर कार्ड। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉय को अपना जैगुआर कार गिफ्ट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। कुछ ऐसा ही हुआ था अलाबामा के रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट वाल्टर कार के साथ।
बात है 2018 की, जब वाल्टर को बेल हॉप्स कंपनी से जॉब ऑफर हुआ, लेकिन ये ऑफिस वाल्टर के घर से बहुत दूर था और वाल्टर की कार भी खराब हो गई थी। तो उसने फैसला किया कि वो चल के ऑफिस तक जाएगा और 20 माइल यानी 32 किलोमीटर तक चलता रहा। आधी रात को घर से निकला और चलते चलते उसकी मुलाकात पुलिस से हुई। तब पुलिस ने उसे लिफ्ट दिया और उसे अपने ऑफिस तक पहुंचा दिया। ये बात फेसबुक में पोस्ट किया गया था। जब बेलहॉप्स के सीईओ ल्यूक मार्टिन को ये बात पता चली तो वो अपनी पर्सनल कार फोर्ड एस्केप वाल्टर को दे दिया। उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, टॉम मोनाहैन। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि टॉम मोनाहैन मशहूर पिज्जा कंपनी डोमिनोज के को-फाउंडर है। इन्हीं के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि अपने वाइफ के साथ टॉम की पहली मुलाकात पिज्जा डिलीवरी पर हुआ था, वो भी टॉम के पहले पिज्जा डिलीवरी पर। बात तब की है जब टॉम ने डोमिनोज का एक नया ब्रांच मिशिगन के माउंट प्लेजेंट में खोला था। वहीं के सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक गर्ल्स हॉस्टल से जब पिज्जा ऑर्डर आया तब टॉम डिलीवरी को गए और मार्गी से मुलाकात हो गई। फिर क्या, पहली नजर का प्यार। टॉम अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे पे उन्होंने मार्गी को हार्ट शेप पिज्जा गिफ्ट किया था, जो कि मार्गी के दोस्तों को बहुत पसंद आया। मतलब प्यार का इजहार भी हो गया और कंपनी की मार्केटिंग भी। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, फास्टेस्ट ह्यूमन सेंस। सभी को पता है कि इंसानों के 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से सबसे तेज कौन सा है? अगर नहीं तो बता दूं, हमारे कान सबसे तेज सेंसर है। न्यूरोसाइंटिस्ट सेथ हॉरोविट्स का कहना है कि आंखें धोखा दे सकती है लेकिन कान नहीं। एक साउंड वेव को कान से होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचने में सिर्फ 0.05 सेकंड का वक्त लगता है, जो कि पलके झपकाने के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेज है। हमारी आंखें और त्वचा इससे थोड़ा स्लो है। वही अगर हम जीभ और नाक की बात करें तो वो बहुत स्लो है। किसी खाने के टेस्ट को समझने में या किसी चीज को सूंघने में हमें 1 सेकंड से ज्यादा वक्त लग सकता है। फैक्ट नंबर 3, बैना शादी। खेल कूद में छोटे मोटे इंजरी आम बात है, लेकिन अफ्रीका के कांगो स्टेट का फुटबॉल टीम बैना शादी के साथ जो हुआ वो स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे दुखद घटना है। 1998 में केसाई के ईस्टर्न प्रोविंस में बैना शादी और बेसांगा टीम के बीच एक फुटबॉल मैच हो रही थी। दोनों ही टीम ने एक एक गोल किया था और मैच ड्रॉ होने को थी। तभी अचानक से प्लेग्राउंड पर एक भयानक बिजली गिरी और रहस्यमय तरीके से ये लाइटनिंग बोल्ट बैना शादी के 11 खिलाड़ियों को मार डाला। अजीब बात ये थी कि ओपोनेंट टीम के एक भी खिलाड़ी को खरोच तक नहीं आई। बैना शादी के सारे खिलाड़ी सिर्फ 20 से 35 साल के थे। फैक्ट नंबर 2, कोलोसस। प्राचीन काल की बहुत सी मूर्तियां या स्कल्पचर आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इटली के फ्लोरेंस में स्थित कोलोसस को देखा है? 16th सेंचुरी की ये मूर्ति बहुत ही खास है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि इसके अंदर अलग अलग कमरे भी हैं। इटली के फेमस मूर्तिकार जाम्बोलोनिया ने इसे बनाया था। दरअसल कोलोसस माउंट एपेनाइन का प्रतीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के सम्मान में जाम्बोलोनिया ने इसे एक इंसान का आकार दिया था। ये मूर्ति 35 फीट ऊंची है। मूर्ति का बाया हाथ एक मॉन्स्टर को जमीन में धसा रही है। इस मॉन्स्टर के मुंह से पानी बाहर आता है और मूर्ति के सामने जो पूल है उसमें जाके गिरती है। कोलोसस का एक और खासियत है जो कि मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा औसम लगती है, वो है इसके सर में मौजूद एक कमरा और उस कमरे में एक फायरप्लेस है और फायरप्लेस में आग जलाने पे धुआं कोलोसस के नाक से बाहर आती है। इस औसम फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 1, ब्राइल टेक्नोलॉजी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग देख नहीं पाते वो कुछ डॉट्स को छूकर भाषा को समझ पाते हैं कि क्या लिखा है। एटीएम के स्विच पे या लिफ्ट के बटन्स पे ये डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। इसे ब्राइल सिस्टम या ब्राइल लैंग्वेज कहा जाता है। वैसे ही ब्राइल टेक्नोलॉजी उन लोगों को टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहने में मदद करती है जो आंखों से देख नहीं पाते। ब्राइल टेक के अंदर बहुत सी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आते हैं। सबसे कॉमन है ब्राइल स्क्रीन, जो कि एक स्क्रीन है जिसमें से डॉट्स बाहर आते हैं और ब्राइल लैंग्वेज स्क्रीन पे आ जाता है, जैसे कि नॉर्मल फोन के स्क्रीन पे टेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा ब्राइल प्रिंटर होता है जो ब्राइल कोड को एक पेज पे प्रिंट करते हैं। ब्राइल फोन भी होते हैं जिससे अंधे लोग नॉर्मल लोगों की तरह फोन यूज कर सकते हैं। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी पूरे दुनिया में सिर्फ 10% अंधे लोग ही ब्राइल कोड को समझ पाते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।